नमस्ते छात्रों, हम अपने पिछली अवधि में सत्साहस नामक पाठ के प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण भाग को देख रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पांचवा प्रश्न हम कल थोड़ा सा देखे थे, विशेषणों के प्रकार के बारे में हमने देखा था। उसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण के बारे में हमने जानकारियां प्राप्त किए थे। ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम आज देखेंगे। देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे विशेषणों के भेद बताइए। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें रंगीन अक्षर छपा हुआ है, वह किस तरह का विशेषण है, किस विशेषण के प्रकार है, इस तरह में बताना है। ठीक है, पहला है, उन्होंने आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार किया। यहाँ पे विशाल जो शब्द है वह मोटे छपे अक्षर है। ठीक है, विशाल शिखर, विशाल यहाँ पे विशेषण है और शिखर क्या है, इसमें विशेष्य है। जो विशाल है वह कौन सा विशेषण है? विशाल जो है वह गुणवाचक विशेषण है। उस शिखर का गुण क्या है? वह विशाल है, यानी कि यहाँ पे विशाल जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए, वह अपने 150 साथियों को लेकर जयपुर से तुरंत चल पड़ा। 150 इसमें 150 ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है, इसमें संख्या आ गई है 150 साथियों, साथियों की विशेषता क्या है, 150 है वह। ठीक है, अगला है, इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए। यहाँ पे इस घटना के हुए बहुत दिन हो गए, इस जो मोटे हुए छपे अक्षर है यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। इस जो है यह सर्वनाम है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, उन्होंने अतुलनीय साहस का परिचय दिया। अतुलनीय साहस, अतुलनीय जो शब्द है यह क्या है, संख्या सॉरी यह जो है वह गुणवाचक विशेषण है। अतुलनीय साहस, साहस कैसी है, अतुलनीय है। अतुलनीय जो शब्द है वह संख्यावाचक नहीं हो बल्कि गुणवाचक विशेषण है। आगे है, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। घरेलू जो मोटा छपा हुआ अक्षर है, घरेलू, घरेलू झगड़ा यह क्या है, घरेलू भी है, गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए, गिलास में थोड़ा शरबत और डाल दो। गिलास में थोड़ा शरबत और डाल दो, यहाँ पे थोड़ा जो मोटे छपे अक्षर है यह क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे यहाँ पे सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पे पहला है, बेहतर टूट पड़ना, बेहतर टूट पड़ना, सुन कैसे लिखते, दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर बेहतर टूट पड़ी। किस तरह वाक्य बना सकते हैं, दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर बेहतर टूट पड़ी। अगला है, ठंडा होना, ठंडा होना, सो कैसे वाक्य बना सकते हैं, गोली लगने पर डाकू पहले तो छटपटाया, फिर कुछ ही देर में ठंडा हो गया। ठीक है, आगे है, रक्त उबल पड़ना, इसको हम कैसे वाक्य बना सकते हैं, वृद्धा के अपमान को देखकर बस में बैठे एक युवक का रक्त उबल पड़ा। ठीक है, वृद्धा के अपमान को देखकर बस में बैठे एक युवक का रक्त उबल पड़ा। अगला शब्द है, जी जान से टूट जाना, जी जान से टूट जाना। ठीक है, इसको कैसे वाक्य बना सकते हैं, रोहन आगामी परीक्षा की तैयारियों में जी जान से जुट गया। जी जान से जुट जाना, यानी कि रोहन आगामी परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, पहला शब्द है सामान्य, सामान्य का अपोजिट है विशेष। नेक्स्ट वीर, वीर का अपोजिट है, विलोम शब्द है कायर। आगे है परिचित, परिचित का विलोम शब्द है अपरिचित। नेक्स्ट स्वार्थ, स्वार्थ का
विलोम शब्द है निस्वार्थ, आगे जीवित, जीवित का विलोम शब्द है मृत। नेक्स्ट उच्च, उच्च का अपोजिट है निम्न। नेक्स्ट पवित्रता, पवित्र का अपोजिट है अपवित्रता। लास्ट वन है प्रसन्न, प्रसन्न का अपोजिट है अप्रसन्न। अगला प्रश्न है, पाठ में से इथ और ता प्रत्यय वाले दो शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे दिया गया है इत का पुलकित, पुलक प्लस इत पुलकित, आगे शोभित, शोभा प्लस इत शोभित। नेक्स्ट विचलित, विचल प्लस इत विचलित, आगे ता के बारे में लिखना है ता, एकता, एक प्लस ता एकता। इस तरह निकटता, निकट प्लस ता निकटता, आगे है वीरता, वीर प्लस ता वीरता। ठीक है, ये क्या हो गए इस पाठ से संबंधित व्याकरण हो गए। आज की अवधि में इतना काफी है, हम अपने कल की अवधि में एक नए पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, नीति के दोहे। दोहों के बारे में हम अपने कल की अवधि में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।